साथ है और जिस प्रभु ने आया संसार में उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात सच है और हर प्रकार के मानने की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मानव को जीवन देने के लिए और बहुतात का जीवन देने के लिए। सुन तो लो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानव का जीवन घास के समान है, फूल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है और संसार जो है जो थोड़े दिनों के लिए संसार में जो मानव आया हुआ है जो स्त्री में से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का होता है। मेरे प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने मानव को आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया निश्वास लेने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, आकाश से बारिश देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, चंद्रमा की रोशनी देता है और वायु देता है, उस प्रभु परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी समुद्र सब वस्तुओं को बनाया है, मान के बना है भवनों में नहीं रहता, मान को जीवन श्वास और सब कुछ देता है। इन दिनों में आपने देखा होगा टर्की में कितने भी भूकंप में पूरा धराशायी हुआ, संसार में कई ऐसी घटना जो कि घट रहा है। मेरे प्यार लोगों, मैं एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ, आज 30 साल हो गया इस नाम की घोषणा करता हूँ। मैं पापी था, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से पापी था। मेरे पाप मुझ पापी के लिए मुक्ति का मूल्य चुकाया, मेरे दाम चुकाया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया और मानव के बीच में रहा, जिसने अंधों को आंखें दिया, बहरों को सुनने शक्ति दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवित किया और मेरे पापों का पेमेंट उसने कर दिया। मेरे पापों का मैं पापी था जो अपने प्रेम की भलाई को उसने जो प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये जो कि कोरबा कोचेवली आज 16 तारीख एक गुड न्यूज को बता रहा हूँ। पेपर न्यूज में आप पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में, दुर्घटना के बारे में, नाना प्रकार की बातों में, टीवी न्यूज में, पर एक गुड न्यूज है, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर मानव से प्रेम करता है और मानव के लिए हमारे पाप को, श्राप को, बीमारी को, गरीबी को, ये सब का भुगतान कर दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे यीशु जाति नहीं बदलता, मेरे यीशु धर्म नहीं बदलता, मेरे यीशु मसीह पापी को मुक्ति देने के लिए आया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया। ये बात सच है और हर प्रकार मानने की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने उनका उद्धार करने के लिए जाए जो कि जगत में आया। हम सब पापी है, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से हम पापी है और पापी को मुक्ति चाहिए, पापी को क्षमा चाहिए, पापी को उद्धार चाहिए, पापी को मोक्ष चाहिए, पापी को निर्वाण चाहिए और पापी के लिए स्वयं अपना बलिदान हुआ। मानव को दंड देने के लिए आया पर दया का निकल आया, वो दया का सागर है, क्षमा का खान है। मानव के संसार में जो स्त्री से उत्पन्न होता है थोड़े दिनों का होता है जो कि कष्ट और दुख से भरा हुआ रहता है। सुन तो लो मेरे प्यारे, मनुष्य की आयु तो ठहराई गई है, मनुष्य का आयु 70 साल का होता है, बल्कि 80 वर्ष भी हो जाए उसमें कष्ट और शोक और दुख ही दुख है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, क्षमा देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। पवित्र शास्त्र के अनुसार जो कि पवित्र शास्त्र मारा गया, गाड़ा गया, जिसने मुर्दों में जी उठा और जी उठने के बाद में 500 लोगों ने उसके दर्शन को प्राप्त किए, उसने 10-12 बार उसने दर्शन दिया और मानव से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना तुम्हारे रूप को देखता हूँ, ना रंग को देखता हूँ, ना तुम्हारे जात पात को देखता हूँ, ना काले गोरे हो, पर मैं तुम्हारे, मेरा जो संबंध है तुम्हारे मन से है। क्या आप नहीं जानते कि आपका मन परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा निवास करता है? यदि विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, पापों से मुक्ति को, क्षमा को, उद्धार को प्राप्त करोगे। भेष बदला तो क्या हुआ, दिल कहाँ बदलना चाहिए, एक दो बातों से नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, स्वर्ग जाने का मार्ग चाहिए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ और किसी दूसरे को उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य ने एक बार बनना उसका न्याय का होना नियुक्त है, न्याय से बचना है। प्रभु के शरण में आ जाइए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको मुक्ति, शांति, क्षमा, उद्धार, छुटकारा देगा। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।